नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है, और ये भी आंदोलन बता दें आपको हम कि वहां के कर्मचारी चयन आयोग की कार्य प्रणालियों को लेकर चल रहा है। कार्य प्रणालियां ऐसी हैं जिसको लेकर छात्र काफी नाराज हैं। वजह है 2015 से लेकर जो परीक्षा चल रही है, चार बार उसे रद्द करना पड़ा। 2017 सीटों पर सचिवालय सहायक और अन्य पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया, और बताएं हम कि 28 जनवरी को परीक्षा हुई, लेकिन 27 जनवरी से ही प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, और अंततः कल JSSC के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन आपको हम बताएं, कल हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे आयोग दफ्तर, और उनकी मांगे थी कि मामले की जाँच हो। जो कंपनी क्वेश्चन पेपर को सेट करती है या छापती है, वो ब्लैकलिस्टेड है, उनसे आखिर काम क्यों कराया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने बिहार में वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है जिसे प्रश्न पत्रों को का टेंडर दिया जाता है, और उससे ही काम कराया गया है। आपको बता दें, जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर बुधवार को पूरे राज्य से सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंची। सभी वहां बैठकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लगे। उन लोगों की मांग थी कि 28 जनवरी को हुए सभी पेपर एवं 4 फरवरी को होने वाले JSSC CGL परीक्षा को रद्द किया जाए, परीक्षा में हुई गड़बड़ी की CBI जांच कराई जाए, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राएं आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा को वहां बुलाने की मांग पर अड़े थे। पुलिस ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उग्र अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अचानक छात्रों की भीड़ उग्र हो गई और कार्यालय के मुख्य गेट को ढकेलते हुए अंदर घुस गई। कुछ अभ्यर्थियों ने पत्थर चलाकर कार्यालय के कांच तोड़ डाले। किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर सभी अभ्यर्थियों को गेट से बाहर निकाला। आपको हम बता दें कि CGL परीक्षा से पहले ही पेपर 3 के प्रश्न पत्र और उत्तर दोनों लीक हो गए थे। आजसू के संगठन सचिव एस अली ने मांग की है कि परीक्षा में हुई धांधली की CBI से जांच कराई जाए। वही बताएं आपको कि विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए बनी JSSC पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। कई गैर जिम्मेदार अफसरों की वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। आपको बता दें कि सामान्य स्नातक के पहले चरण की परीक्षा 28 जनवरी को हुई। परीक्षा से एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया। सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप में वायरल था ये जो प्रश्न पत्र उत्तर है। परीक्षा के बाद सवालों का मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल और जवाब मिल रहे थे, हालांकि उनके क्रमांक जो थे वो अलग। आपको बता दें कि पेपर 28 जनवरी को हुए पेपर और 4 फरवरी को होने वाले पेपर को रद्द कर दिया गया है। 735 परीक्षा केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रों से मिली जानकारी के बाद फर्स्ट और सेकंड पेपर की भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के संबंध में JSSC ने नामकुम थाने में, आपको बता दें कि कांड संख्या 4524 धारा 467 468 420 और 120 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बताएं, यह प्राथमिकी झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत की गई है। पुलिस ने पेपर लीक की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि सामान्य स्नातक के 2017 पदों के लिए 6.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 3 लाख अभ्यर्थी 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा में शामिल होने वाले थे। तो बताएं कि छात्रों का सीधे सीधी कहना भी है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। वही बता दें आपको हम कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों पर की गई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि JSSC की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना युवाओं की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, जबकि इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार, JSSC और एजेंसी दोषी है। JSSC के चेयरमैन, सदस्यों एवं एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने घायल छात्रों की उचित इलाज कराने की भी मांग की है। तो बताएं आपको हम कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2015 में, 2019 में, 2021 में बहाली निकाला, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। 2023 में भी निकला,
लेकिन 24 में जो परीक्षा हुआ उसे रद्द किया गया और होने वाले परीक्षा को भी रद्द किया गया है। तो बता दें कि कल छात्रों का एक बड़ा हुजूम जो है वो पहुंचा था रांची के नामकुम, जहां पर JSSC का कार्यालय है, और वहां पर काफी जो है मशक्कत हुई, छात्रों का काफी उग्र प्रदर्शन हुआ, और लगातार छात्रों की मांग है कि जो कंपनी परीक्षा ले रही है उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए और पूरी व्यवस्था को साफ सुथरी बनाया जाए ताकि ये परीक्षा पूरा हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।